चलो आ जाओ। रोटेटिंग बाउल के अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं, जब भी कोई मास को रख देते हैं रोटेटिंग बाउल के बॉटम पे और उसके बाद बॉल को जब हम रोटेट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से, तो वो बॉटम पे जो रखा हुआ मास था वो भी क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन के अंदर में क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो हमसे क्या पूछा सकता है कि हम बाउल का कितना मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम एंगुलर स्पीड दे सकते हैं जिससे कि वो एक सर्कुलर पाथ पे चलने लगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बनाते हैं एक बाउल ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको ओमेगा से क्या किया है, रोटेट कराना चालू कर दिया है और इसके बॉटम पे हमने एक स्मॉल मास एम मास का ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो कुछ टाइम्स के बाद में लेट सपोज कर लो कि ये मास जो है यहाँ पे पहुँच गया एम मास का, समझ में आया क्या तुम लोगों को। कुछ टाइम के बाद में जब यहाँ पे पहुँच गया होगा उस टाइम में आप बताओ कि इसका नॉर्मल किधर की लगेगा। तो हमेशा याद रखना जब भी स्फेरिकल कोई चीज़ें होता है तो नॉर्मल फोर्स हमेशा कहाँ पे लगते हैं, उसके सेंटर की तरफ लगते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक में कोई डाउट है क्या। अब बताओ एम जी किधर लगेगा, तो सर एम जी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे। अब हमने क्या किया कि हमें पता है कि सर जब ये बाउल रोटेट कर रहा होगा तो ये एक सर्कुलर मोशन इस जगह पे इस तरह से एक रेडियस के साथ में ये सर्कुलर मोशन को क्या कर रहा होगा, कंप्लीट कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह से एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा होगा। अब सोचो अगर मैं बोलूंगा कि इसका रेडियस आर है, समझना पहले बच्चा, अगर मैं बोलूंगा कि इसका रेडियस आर है तो ये क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं बोलूंगा इसको सर आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को, आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे समझ में आया क्या, आर साइन थीटा होगा। तो जैसे ही मैंने बोला कि यहाँ पे आर साइन थीटा आया हमारे पास में, तो अब हमारे पास में ओमेगा की कितना वैल्यू होगा ये बताना है यहाँ पे। बात समझ में आया, तो अब सोचो हम कहेंगे कि सर नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है और ये एंगल भी अगर थीटा है तो ये क्या होगा, एन कॉस थीटा होगा कि नहीं। अच्छा नॉर्मल केस है तो सर इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंटर की तरफ, एन साइन थीटा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। अब बोलो कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस मास को स्मॉल मास के ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ मूव करा रहा होगा, मतलब कि सर्कुलर मोशन करा रहा होगा, कौन ऐसा फोर्स है, एन साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे सर, एन साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे। तो सर ओमेगा है हमारे पास में, इस पर वेलोसिटी नहीं है, तो हम ओमेगा वाला इक्वेशन लिखेंगे। ओमेगा वाला इक्वेशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता था बताया तुम लोगों को, ओमेगा स्क्वायर आर होता था। स्मॉल आर जो है नथिंग बट क्या है, आर साइन थीटा के इक्वल है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब सोचो एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, तुम में से कोई बता सकता है क्या, एन एम जी बैलेंस कर रहा होगा। बात यहां तक भी तो कोई तकलीफ देने वाला है क्या तुम लोगों को, बोलो। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो एन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में जी। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं आया समझ में, एम से एम कर। अरे समझ में आ गया तो बोलो यस। चलो आगे बढ़ो, तो यहां से हम लोग क्या लिखने वाले हैं सर, ये टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो ओमेगा स्क्वायर आर बाई में जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। हमें तो ओमेगा की जरूरत है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जी टेन थीटा अपॉन में आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर तुमसे पूछे ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो अंडर रूट में जी बाई आर टेन थीटा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये कब का बात है, जब बाउल के अंदर में, बाउल और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं था, तब उसके पास में ओमेगा की जो वैल्यू होगी सर्कुलर मोशन कराने के लिए वो होगा जी बाई आर टेन थीटा। नहीं आया समझ में, जल्दी से लिखो, अगर इससे कम दोगे तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। अच्छा आर की वैल्यू जो होगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ पे आर साइन थीटा पे, तो इसके अंदर में और पुट कर सकते हैं आर के जगह पे आर साइन थीटा, तो टेन थीटा का टेन थीटा कट जाएगा तो हमारे पास में एक नया वैल्यू आएगा, वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे स्मॉल आर के जगह पे, बोलो ना आर साइन थीटा। तो यहां से तुम देखोगे तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, तो हमारे पास में ओमेगा की जो वैल्यू आया है वो आया है जी बाई में आर
कॉस थीटा, आया है कि नहीं आया है? जल्दी जल्दी कर दो बच्चा, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन चीजें सही हो जाते हैं। करो फटाफट करते चलो, ये हो जाए तो बताना फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में तुम लोगों को। देखो ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को, बाउल प्रॉब्लम समझ में आ गया पूरा? अब लिखो नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट। अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होगा और केस जो है ओमेगा जो है वो ओमेगा रिक्वायर्ड जो है ना हमारे पास में उससे क्या है हमारे पास में ग्रेटर है। अब सोचो जब हमारे पास में ओमेगा जो है ओमेगा रिक्वायर्ड से ग्रेटर है तो जो बाउल के अंदर में अगर ये मास एम वाला मास जो यहाँ पे पहुंच गया था इसके अंदर में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा ये बताओ, बाहर की तरफ लगेगा या भीतर की तरफ लगेगा, मतलब इधर लगेगा या ऊपर लगेगा ये बताओ, फटाफट बता दो कहाँ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। देखो ओमेगा इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड है इसका तो बाहर जाना चाह रहा है, अरे ये बाहर जाना चाह रहा है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। बात समझ में आया क्या? कुछ इस तरह से लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, समझ में आया तुम लोग को? अच्छा सोचो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह से लगेगा तो अब हम बना लेते हैं इधर क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा बोलो थीटा, ऊपर क्या लगने वाला है नॉर्मल, नीचे क्या लगने वाला है एम जी। बात समझ में आ रहा है तो सच सच बताओ तुम लोग, बोलो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा ये एन कॉस थीटा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर होगा कि नहीं होगा एन साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये एंगल बोलो कितना होगा, तुम लोग में से सोच के बता सकता कोई क्या होगा ये 90 माइनस थीटा यही होगा ना, सच सच बोलो। अच्छा चलो ये एंगल कितना होगा तब तुम लोग, ये थीटा होगा कि नहीं, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? जब ना समझ में आए तो एक एक्स्ट्रा जोड़ लिया करो ताकि तुमको समझ में आ जाए। अब आ गया क्या, तो बोलो फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ लग रहा है बोलो जल्दी से, एफ कॉस थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा, और नीचे की तरफ कौन लगने वाला है, हो गया कि नहीं हो गया, एकदम आसानी से समझ में आ गया ये तो। तो बोलो कौन कौन सा फोर्स जो है एन साइन थीटा और प्लस एफ कॉस थीटा, यही क्या करेगा हमारे लिए बोलो जल्दी से, एम ओमेगा स्क्वायर आर करेगा कि नहीं, आर की वैल्यू कैपिटल आर साइन थीटा है ना, अरे पिछले वाले में तभी करवा दिए थे ना इसलिए इसमें ज्यादा करने की जरूरत है क्या? अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कोई बता सकता है क्या होगा, तो सर म्यू इंटू एन होगा कि नहीं होगा, तो बोलो यहां से इक्वेशन लिख दें हम लोग एन साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, समझ में आया क्या? अच्छा एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, ये इक्वेशन नंबर वन मान लो, अरे बोलो ना जल्दी से, प्लस एम जी बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एफ साइन थीटा को इधर ले आओ तो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा कि नहीं होगा, तुम बोलो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, लिखे कि नहीं लिखे, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे तुम लोग में से कोई बता सकता है, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू कर ले क्या, तुम बताओ क्या मिलेगा, ऊपर बोलो वन में क्या है हमारे पास में एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और मैंने एन को कॉमन ले लिया है, अच्छा नीचे वाले में बोलो क्या लिखेंगे, एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर और नीचे लिखेंगे एम जी,
अरे होगा कि नहीं? जो नहीं बोल रहे हैं वो कब बोलेंगे? नहीं, जो नहीं बोल रहे हैं वो कब बोलेंगे? रोहन के मरने के बाद। अगर ऐसा है तो खुश रहिए, रोहन मरेगा ही नहीं, ठीक है? तो अब बोलना है तो बोलिए, ऊपर क्या बचेगा आपको? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई में इज इक्वल टू। तुम में से कितना बोलना चाहता है कॉस थीटा से सबको मल्टी डिवाइड कर दो, जैसे सब बोलना चाहते हैं तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बटे में देखो बोलोगे ना, बोलोगे तभी जाकर के दिमागे खुलेंगे। इसमें कोई बात नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। रोहन सर तो ऐसे भी डिस्टर्ब नहीं होते बोलने पे, क्या सच्ची बात है क्या? तो तुम में से कितना बोलना चाहता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा? लेकिन लगे हाथ, अब क्यों अपना पेज बर्बाद करना चाहे, टाइम बर्बाद करना? क्या जी को ऊपर ले जाए, नीचे आर को ले आए, लगे हाथ इसके पे क्या लगा दे, ये ओमेगा हो गया, लिख डालो फटाफट। ये तब है जब फ्रिक्शन इज प्रेजेंट और क्या ओमेगा इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड। जो पिछला वाला जो था ना वो रिक्वायर्ड कहलाएगा, ठीक है ना? जल्दी जल्दी करो फटाफट, अच्छा लगता है, तुम लोगों को समझ में आता है ना? व्हेन रिक्वायर्ड ओमेगा इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, ओमेगा जो है वो क्या है? ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? जो हमने ओमेगा दिया है। समझ में आया कि नहीं? तो इस केस में ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? तो फिर से बना लेते हैं पहले। अब तुम में से कौन बताना चाहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल तो जानते ही हो तुम लोग, फटाफट बना डालो ना तुम लोग, यार गजब कर दिए हो, जल्दी जल्दी कर दो। तो इधर देखो तो जल्दी से, ऊपर की तरफ क्या लगने वाला है? नॉर्मल। नीचे क्या लगने वाला है? एम जी। और इधर क्या लगने वाला है? बोलो बोलो ना, ऊपर क्या लगेगा? ये एंगल अगर थीटा तो एन कॉस थीटा। बोलना भी होता है, ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, लड़की लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इधर क्या होगा? एन साइन थीटा। और बोलो फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट बता दो, तब समझेंगे कि तुम इंटेलिजेंट हो। फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट बताओ, कौन किधर लगेगा, कैसे क्या होगा? पहले तो ये बताओ ये एंगल, पहले ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा? वाह वेरी गुड, ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो इधर क्या लगेगा? एफ। अच्छा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं इधर के लिए। बोलो ऊपर क्या लगने वाला है? इस वेरी गुड। तो बोलो पहले तो मैं लिख देता हूं एन कॉस थीटा और प्लस में एफ साइन थीटा। अच्छा ये किसको बैलेंस कर रहा है बच्चा? एम जी को, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अच्छा दूसरा बोलो जल्दी से, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा कि नहीं? अगर इसको ओमेगा से हम लोग क्या करा रहे हैं? रूटेड। अरे हो गया कि नहीं हो गया समझ में? अब एफ के जगह पे क्या पुट करने वाले हो तुम लोग? म्यू इंटू एन। वेरी गुड, तो पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे लिए, सेकेंड इक्वेशन ये है। फर्स्ट में पुट करेंगे, हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो बोलो एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा मस्ट बी इज इक्वल टू एम जी। अच्छा इधर बोलो एन साइन थीटा प्लस स्किप माइनस माइनस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब इक्वेशन नंबर फोर को ऊपर रखना और इक्वेशन नंबर थर्ड को नीचे रखना है, ठीक है ना? ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि हमने लिख दिया है
पहले लेकिन इसको ऊपर रखना है, ठीक है। तो फोर को डिवाइड करना है किससे बच्चा, बोलो थर्ड से। तो फोर को जैसे डिवाइड करोगे थर्ड से तो क्या लिखोगे, एन और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तुम लोग साथ में लिख रहे हो क्या, तो जल्दी जल्दी लिख ही लो, एन कॉस थीटा प्लस म्यू, इधर से क्या लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखने वाले हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में क्या लिखने वाले हैं एम जी। बात समझ में आया क्या, एन से एन कट जाएगा क्या, अब कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करना है यही तो ये टैन थीटा में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, माइनस म्यू, वेरी गुड। नीचे बोलो जल्दी से, वन प्लस म्यू टेन थीटा, आर जी एम से एम कट जाता है तो जी ऊपर भेज देता हूं और नीचे किसको भेज देता हूं आर, और इसी का अंडर रूट कर दो तो क्या ये ओमेगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी जल्दी करो बच्चा फटाफट करो। इनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको कर लो, हो गया। चलो एक बार आप लोगों ने सीट लाया क्या, सर्कुलर मोशन का सीट है क्या किसी के पास में, कहाँ पे, यहाँ पे है क्या, दीजिएगा एक बार, नहीं है तो दीजिए ना, जिसके पास में है वो तो दे सकता है, लिखो फटाफट, नहीं है आपके पास में है ना, दीजिए ना, ये नहीं वो वाला ब्रांडेड वाला ले गया, ये सीट नंबर टू होगा वो शायद, नहीं डीपीपी नहीं चाहिए, डीपीपी तो अभी रहने दीजिए, डीपीपी पहले इसको कंप्लीट, पहले ये यहां तक हो गया ना, अभी ये दो टॉपिक और बचा हुआ है फटाफट कर लीजिए ताकि उसको भी कंप्लीट कर ही लेंगे, बस एक दो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद दो टॉपिक, इसको रहने दीजिए। इसके में सर्कुलर मोशन जो है ना वो काइनेमेटिक्स तक का ही है, सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स पढ़ाए थे ना वहां तक का है, फिर इसी का डीपीपी का दूसरा पार्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें है हाफ पोर्शन इसका, और ये जो पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग जितना भी बाउल प्रॉब्लम बैंकिंग ऑफ द रोड ये सब जो पढ़े हैं ना सर्कुलर ट्रैक ये सारे के सारे आपको महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर में जो है ना वो ट्वेल्थ क्लास के अंदर में है, कौन सा क्लास के अंदर में है, ट्वेल्थ क्लास के अंदर में है, याद रखिएगा, जल्दी से ये लिखिए, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चले क्वेश्चन लिखे, लिखिएगा टू कार्स ऑफ मास, पहले इसको कर लो फिर करेंगे, पहले कर लो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना है, लिखिए टू कार ऑफ मासेज एम वन एंड एम टू, टू कार ऑफ मासेज M1 एंड M2, अभी थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन होगी उसके बाद फिर लेवल वाला, टू कार्स ऑफ मासेज M1 एंड M2 आर मूविंग इन सर्कल्स, आर मूविंग इन सर्कल्स, आर मूविंग इन सर्कल्स, आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू, हो गया क्या, रिस्पेक्टिवली ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू रिस्पेक्टिवली, आर वन एंड आर टू रिस्पेक्टिवली, देयर स्पीड्स आर सच दैट, देयर स्पीड्स आर सच दैट, देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल, दे मेक कंप्लीट सर्कल, they make complete circle in same time t, in same time t, in same time t, in same time t, हो गया क्या, in same time t, the ratio of their centripetal acceleration is, the ratio of their centripetal acceleration is, the ratio of their centripetal acceleration is centripetal acceleration is, हो गया क्वेश्चन। सोचो ये क्वेश्चन 2012 के जेई मेन के अंदर में आया था, मतलब AI ट्रिपल
के अंदर में आया था मेरे टाइम में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? दियर स्पीड्स आर सेम, जब स्पीड सेम है तो ओमेगा दोनों का सेम है, कहने का मतलब यही है। इसका मतलब हम सीधा क्या लिखेंगे सर, एक का सेंट्रीपिटल अपॉन में दूसरे का सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर वन बाई में ओमेगा स्क्वायर आर टू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशो भी कितना हो जाएगा, आर वन इज टू आर टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आसान क्वेश्चन था ना, हो गया ना, ऐसे थोड़ा ही होगा, नहीं होगा, पढ़े थे ना हम भाई, 13,000 रैंक है, ऐसे थोड़ा ही है, वो भी आईआईटी एडवांस में। ऐसे थोड़े ही आकर के बैठ गए हैं पढ़ाने। चलिए कोई बात नहीं, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टर्निंग ऑफ रेडियस 20 मीटर, ए टर्निंग ऑफ रेडियस 20 मीटर, ए टर्निंग ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर, ए टर्निंग ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर, बैंक्ड बी ए एन के ई डी, बैंक्ड फॉर द व्हीकल्स ऑफ मासेस, द व्हीकल्स ऑफ मास, द व्हीकल्स ऑफ मास 200 kg, 200 kg गोइंग एट अ स्पीड ऑफ, गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 meter per second, गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 meter per second, ओके, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल्स, एक्टिंग ऑन अ व्हीकल्स इफ इट्स मूव्स विथ अ स्पीड, इफ इट्स मूव्स विथ ए स्पीड, इफ इट्स मूव्स विथ ए स्पीड 5 meter per second, ए नंबर पे है 5 meter per second, इफ इट्स मूव्स विथ ए स्पीड, और ए है 5 meter per second एंड बी है 15 meter per second, 15 meter per second फ्रिक्शन इज सफिशियंट, मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन इज सफिशियंट। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि ये टॉपिक का कौन सा है। तो कल हमने पढ़ाया था बैंकिंग ऑफ रोड, उसके बाद में क्या हुआ था, टाइम ज्यादा हो गया था तो उसका क्वेश्चन नहीं ले पाए थे। तो बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर में दो चीजें पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एक वेलोसिटी ग्रेटर देन वी रिक्वायर्ड हो, और एक पढ़ा था वेलोसिटी लेस देन वी रिक्वायर्ड। अच्छा, हमारे पास में वी रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी को याद है क्या? 10 meter per second, यही तो दिया हुआ है। अरे नहीं समझ में आया, तो ये 10 meter per second जो दिया हुआ है वेलोसिटी रिक्वायर्ड हमारे लिए, क्या ये क्या करेंगे सर, ये दिया हुआ है तो दो केस बन रहा है। एक बार फर्स्ट ए केस में क्या है हमारे पास में, ए केस के अंदर में क्या है बच्चा बोलो, ए केस के अंदर में है वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 5 meter per second, यही तो होगा। जब 5 meter per second होगा, इसका मतलब ये सेकेंड वाला केस का क्या है, एग्जाम्पल है, सेकेंड वाले केस का एग्जाम्पल है कि नहीं है? तो सोचो हमने सेकेंड वाले केस के लिए जो इक्वेशन लिखे थे, किसी को याद है क्या, एन साइन थीटा, बोला था मैंने इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए, माइनस में था बोलो ना, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, बोला था कि नहीं बोला था? अच्छा दूसरा बोलो, इसी का दूसरा इक्वेशन भी था जो बैलेंस कर रहा था, एन कॉस थीटा, और प्लस या माइनस लिखेंगे, प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी लिखेंगे कि नहीं?
लेकिन सर अगर हम देखें तो पहले हमें जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी दिया हुआ है उसके लिए भी एक इक्वेशन था, अगर आपको याद हो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट में था आर जी टेन थीटा, था कि नहीं था? ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना हमारे पास में 10, अरे वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में 10 ना, जो 10 दिया हुआ वो क्या है, रिक्वायर्ड ही तो है। हम यहाँ से एंगल निकालेंगे ना कितना एंगल पे है, तो बोलो 10 इज इक्वल 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर जी टेन थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम में से कितना बोलना चाहता है 10 थीटा इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और नीचे जाएगा तो क्या लिखेंगे आर और जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब तुम पहले अभी उस इक्वेशन को छोड़ेंगे, पहले तो हमें इधर नॉर्मल करना पड़ेगा पहले, तो बोलो जल्दी से tan थीटा इज इक्वल टू 100, r की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास में, देखो 20 मीटर है क्या, और 10 तो यहां से हमारे पास में कितना आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू, बोलो 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हम क्या करें, हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है पहले, और क्या निकालना है, नॉर्मल वी फोर्स निकालना है, लेकिन यहां से तो हमारे पास में वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा, तो क्या करेंगे, क्या कॉस थीटा है टेन थीटा है हमारे पास में, तो क्या हम किसी एक में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास में मास दिया हुआ है क्या, मास दिया हुआ है क्या, तो इसके अंदर में एफ पुट करेंगे, दो इक्वेशन है एफ, सॉरी देखो इधर इधर देखो एन साइन थीटा, देखो इधर तुम लोग देखो, बस अब पुट कर करके इसकी वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा मास कितना है बताओ जल्दी से 200, और वेलोसिटी कितना पुट करेंगे यहाँ पे जब लिख रहे हैं तो, ये इस इक्वेशन के लिए यार 5 है ना यार, गजब हो तुम, इसीलिए बोले ना कि इसका जब क्वेश्चन आते हैं तो झिंगा लाला हो जाता है। बोलो रेडियस कितना होगा, बोल नहीं पा रहे हैं तुम लोग, क्या इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा इक्वेशन एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 200g लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कहाँ पे दिक्कत है बोलो भाई, मास 20 kg है क्या, 200 है ठीक है ना, यहां से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 और ये 25, तो बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बना 250, और दूसरा इक्वेशन एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2000, आया कि नहीं? अब किसी तरह से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकल जाए ना और कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाए तो काम हो जाएगा। इधर देखो मैं बता रहा हूं, हमारे पास में है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 1/2, पी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 5 आ जाएगा कि नहीं अंडर रूट? इसका मतलब हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ लिख देंगे क्या, क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी लिख देंगे, और यहां से भी कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकल देंगे क्या, और दो इक्वेशन है दो अननोन है, क्या सॉल्व करेंगे क्या? पहले यहां तक लिखो फिर सॉल्व करते हैं, फटाफट लिखो। देखो इधर बच्चा, अब हम लोगों ने क्या किया कि tan, अभी आप लोगों को टाइम दे दिए थे जितना देना था, अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो p बाई बी इज इक्वल टू 1/2, यहां से हमारे पास में हाइपोटेन्यूज आ गया 1/√5, चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√5, और cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√5, क्या यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सोचो क्या इनके जगह पे पुट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो n के जगह पे मैं इस वाले इक्वेशन में पुछ कर रहा हूं n, और हमारे पास में sin थीटा कितना हो गया 1/√5 माइनस एफ, और इधर क्या हो जाएगा 2/√5 इज इक्वल टू 250 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इससे यहाँ पे हमारे पास में एन माइनस 2f इज इक्वल टू कितना आ गया 250√5 आ गया क्या, यही आया था क्या, अरे यही आया था ना। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, तो सेकेंड इक्वेशन में थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ सही से देखने की कोशिश करना, सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे इस वाले में तो क्या लिखोगे, एन
कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखोगे तुम, 2/√5 और प्लस एफ 1/√5 इज इक्वल टू कितना 2000 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ये इक्वेशन नंबर वन मान लो, और इससे जो इक्वेशन आएगा ये क्या आएगा, 2n प्लस एफ इज इक्वल टू 2000 और रूट फाइव को इधर लेके आ गए। ये इक्वेशन नंबर टू आ गया कि नहीं आ गया, हमें तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो देखो हम एक जगह लिख रहे हैं एन माइनस टू एफ इज इक्वल टू 250√5। अच्छा 2n माइनस में प्लस एफ इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 2000√5, यही तो लिखेंगे। हमें क्या करना है, n को कैंसिल आउट करना है, हमें किसको कैंसिल आउट करना है, n को। तो देखो n यहाँ पे 2n में है, तो इधर n 1 में है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो क्या बन जाएगा ये ऊपर वाला इक्वेशन, 2n माइनस 4f इज इक्वल टू क्या लिखोगे 500√5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। नीचे वाला का बोलो क्या लिखोगे तुम, 2n प्लस f इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2000√5 लिखोगे कि नहीं। अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस, तो ये माइनस, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो माइनस f और माइनस 4f कितना आ जाएगा, माइनस 5f, और इधर कितना हो जाएगा माइनस 1500√5। यहां से ये माइनस माइनस प्लस, तो f की वैल्यू आया है 300√5। यार फर्स्ट वाले केस में ना 300√5 इज द राइट आंसर। आप लोग कहीं पे घटाने उटाने में गलती कर दिए, हाँ लास्ट वाले का 500√5 आ रहा है, माइनस कहीं जाएगा, इसका फर्स्ट वाले का 300√5 आ रहा है। चलिए लास्ट वाले का लिखना है, तो लास्ट वाले के अंदर में कौन सा केस आएगा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ग्रेटर देन जो है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन कौन सा है बताओ जल्दी से, 10 जो है हमारा लेस देन है ना 15 से। सेकेंड केस में वेलोसिटी कितना है हमारे पास में 15 m/s, इसके लिए इक्वेशन जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बोलो ना, क्या कौन सा लिखेंगे, n sin theta plus f cos theta वाला लिखेंगे क्या, तो बोलो n sin theta plus f cos theta is equal to mv² / r, ये प्लस वाला लिखेंगे यार। दूसरा वाला इक्वेशन देखो ना, मतलब कि जिसमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो था वो लेस देन था v से, वो है दूसरा वाला। तो यहाँ पे बोलो दूसरा इक्वेशन, बोलो जल्दी से फटाफट, दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, n cos theta minus f sin theta इज इक्वल टू mg लिखेंगे कि नहीं। फिर से इसमें सारे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, सब वैल्यू जब पुट करेंगे, मास कितना पुट करेंगे 20 लिख दे रहा हूं मैं, r कितना पुट करेंगे 20 kg, ये भी 20 m है, 200 kg है क्या, मास इज इक्वल टू 200 kg पुट करेंगे, रेडियस कितना है 20 m, वेलोसिटी कितना है इस बार 15 m/s। जब इनको पुट करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा, 500√5। सॉल्व करके देखना, अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो हम बता देंगे बाद में भी, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालो डेथ वेल, जल्दी जल्दी डालते रहो नहीं तो खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालो डेथ वेल, जल्दी से डालो, तो DEATH समझ में आया ना। ये दोनों जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़े थे अभी बैंकिंग ऑफ द रोड का, दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन पढ़े थे ना बैंकिंग ऑफ रोड का, इसमें एक में बोले थे वी रिक्वायर्ड जो है वो ग्रेटर देन वी है, और एक में वी रिक्वायर्ड जो है लेस देन वी है। तो दोनों वेलोसिटी दिया हुआ है, एक में 5 दिया हुआ है, एक में 15 दिया हुआ है, तो आपको कॉमन सेंस से दिखेगा ना कि कौन सा कब यूज करना है, समझ में आया क्या। अब हम लोग डेथ वेल के बारे में समझते हैं। देखिए डेथ वेल का मतलब क्या होता है, मौत का कुआं। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे जगह पे मेला में या कहीं पे घूमने जाते हैं आप लोग, तो देखते ना वहां पे मौत के कुआं वाला जो होते हैं वो अपने गाड़ी को, अपने बाइक को जो होते हैं उसके अंदर में सीधा 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 ऐसे चला लेते हैं। तो वहां पे क्या साइंस लग रहा होगा, किस तरह से वो कितना स्पीड उस बाइक का देंगे कि वो गिर नहीं पाएंगे, ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अरे बातें क्यों कर रहा है, तो बाद में सॉल्व कर लेना ना, इधर चलो ना, नेक्स्ट टॉपिक चालू हो गया ना, वो तो घर पे भी करा जा सकता है ना बाद में, तो जीनियस बन रहे हो यहाँ पे।
मौत के कुएं वाले में क्या होता है कि अगर मैं बात करूं कि क्या 10 के स्पीड दे देंगे तो वो बाइक चल लेगा क्या, क्या 15 के स्पीड दे देंगे तो चल लेगा क्या, एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी होना चाहिए कि अगर इतने के स्पीड से कम अगर दे दिए तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। अच्छा, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। तो क्या मौत के कुएं के अंदर में जितने भी ड्राइवर होते हैं क्या उसको पहले से पता होता कि इससे कम वेलोसिटी देंगे, या वो फिजिक्स जानते होंगे या ठोकर खाते हुए जानते होंगे? वो तो ठोकर खा के गिरे होंगे ना, जो फिजिक्स जानता होगा वो ना पता होगा कि हाँ भाई इससे कम वेलोसिटी देंगे हमारा ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो आज तुम फिजिक्स जान लो, उसके बाद एक मौत का कुआं वाला तुम भी मैजिक कर सकते हो। तो लिखो डेथ वेल के बारे में, लिखो पहले ए मोटरसाइकिलिस्ट इज ड्राइविंग इन अ, लिखो a motorcyclist is driving in a horizontal circle on the inner surface of vertical cylinder हो गया क्या, of radius r, friction coefficient between, लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर में, फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन, पहले थ्री पढ़ लेते उसके बाद इसके प्रूफ कर देंगे, फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन टायर्स ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट, फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन टायर्स ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट एंड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज, एंड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज म्यू, एंड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज म्यू। तो हमें क्या निकालना होगा कि मिनिमम वेलोसिटी कितना दे उसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखेगा फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच द मोटरसाइकिल कैन डू दिस। ठीक है, लिखेंगे लेट वी कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज, लिखो लेट वी कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज, द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज वी, सोचो वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज वी, और सोचो कि वो अब इसके अंदर में, ऐसा सोचो क्या फिजिक्स क्या करता है कि सोचो कि इसके अंदर में ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये सिलेंड्रिकल क्या है हमारे पास में वेल है, कुआं है, जिसके अंदर में ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये सोचना पड़ेगा ना हमें, तभी तो होगा। तो इसका रेडियस मान लेते हैं कि कितना होगा हमारे पास में, आर होगा। अब वो क्या करेंगे, अगर वो साइंस जानते फिजिक्स जानते सर्कुलर मोशन जानते हैं तो क्या करेंगे, वो पहले रेडियस ये सब मेजर कर लेंगे, या वो नहीं जानते तो कैसे सीखे होंगे, एक बार दो बार गिरे होंगे उसके बाद सीख गए होंगे कि इससे कम वाला स्पीड पे चलेंगे तो हमारा गिरना तय है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मान लेते हैं कि एम मास का एक ऑब्जेक्ट है, अरे है कि नहीं? अब बोलो कैसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है ना, तो वी वेलोसिटी भी तो है उसके पास में, इस तरह से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? देखो ना ये सिलेंड्रिकल है तो इस तरह से चारों तरफ ऐसे घूम रहा होगा, ऊपर नीचा नीचे जहां भी जाना होगा ऐसे तो जा रहा होगा वो। तो इसका मतलब क्या है कि एक नॉर्मल फोर्स तो पक्का इधर लग रहा होगा, अरे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा? अच्छा ऊपर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का, कि वो नीचे ऊपर से अगर नीचे आ रहा होगा तो नीचे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे कौन इसको मैनेज कर रहा होगा, mg। अच्छा नॉर्मल फोर्स को कौन मैनेज कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स तो भीतर की तरफ लग रहा है तो उसको कौन मैनेज कर रहा होगा, सूडो फोर्स mv2/r। कि अब यहां पे तुमको समझ में आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों, क्योंकि जो बंदा सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बोला था ना, दो तरीके से रिफरेंस लेते हैं, एक बाहर बैठ करके देखने वाला बंदा और एक सर्कुलर पे ही बैठ करके देखने वाला बंदा है ना,
तो यहां पे क्या हो रहा है कि इस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको क्या महसूस हो रहा होगा कि नॉर्मल फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन हमारे ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा होगा, MBA² / RP। अरे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, MG। अरे कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है बोलो ना, अरे हो गया कि नहीं हो गया, आर के जगह पे कैपिटल आर लिखना था, कैपिटल आर लिख दो, अरे लिख देंगे कि नहीं, सॉल्व कर डालो फटाफट, दोनों डिवाइड कर लोगे क्या, जल्दी करो पहले फटाफट करो, दोनों इक्वेशन लिखो फटाफट, इसके बाद आगे का कंडीशन देख लेते ना क्या कंडीशन बनता है। तो सिंपल था ना ये भी, समझ में आया क्या, ठीक है। अब सोचो कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो गिर नहीं रहा है, सुनो इधर बच्चा, जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो गिर नहीं रहा, क्या कर रहा है, गिर नहीं रहा, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना बच्चा, उसका मैक्सिमम जो वैल्यू होना चाहिए ना वो मस्ट बी ग्रेटर देन किसके बराबर होना चाहिए, एमजी से, नहीं है, अगर एमजी से कम हो जाएगा तो नीचे फिसल के गिर जाएगा ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा सर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू एन, तो मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एम, हमारे पास में एन की वैल्यू कितना है, तो क्या लिखेंगे, म्यू एम वी स्क्वायर बाय में आर, मस्ट बी ग्रेटर देन कि ना हो एमजी, क्या यहां से कुछ कटने वाला दिख रहा है तुम लोगों को, तो क्या वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो आर जी बाई म्यू। अच्छा तुम में से सही सही बोलो तो क्या यहां से हम v की वैल्यू लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, अंडर रूट आर जी बाई म्यू, अरे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, तो अब सोचो कि क्या अगर मैं इससे ज्यादा वैल्यू दे दूंगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इतना, मतलब इससे कम दे दूंगा तो गिर जाएगा, अगर इससे ज्यादा होगा तो बच जाएगा, तो इसीलिए 10 के स्पीड पे 15 के स्पीड पे थोड़ी वो सब चलाते होंगे। अरे सोचो, अच्छा नॉर्मल केस एक ले लेते हैं, चलो तब तुमको समझ में आएगा, ये समझ में आ गया ना, एक नॉर्मल केस ले लेते हैं, मौत के कुआं का कितना रेडियस कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर, ये भी बहुत बोल दिया मैंने, वो बहुत कम में हो जाते हैं, कितना होता है 10 मीटर, थोड़ा ही हो जाता होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर, 2 मीटर का मतलब हुआ यहां से वहां तक, और उसका रेडियस है 2 मीटर का, तो इसका मतलब 4 मीटर, डायमीटर तो 4 मीटर हो गया ना, तो मान के चल लेते, चलो कितना मान ले, चलो 5 मीटर मान लेते, हटाओ तो कोई बात नहीं, 5 मीटर बच्चा लोग बोले तो 5 मीटर एक बार चेक कर लेते हैं, जी की वैल्यू कितना तेरे पास में, 10 मीटर/सेकंड² बोलो, म्यू लकड़ी है, मतलब कि अगर मान ले किस चीज का बनाना है ये सोचो, अगर स्मूथ बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कहानी नहीं होगा, इसका मतलब वुडन कोई चीजें का होगा, अरे वुडन चीजों का होगा, तो वुडन चीजें मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करा सकता है, 0.5 या 0.6, फर्स्ट ज्यादा होगा रफ तो कितना होगा 0.6, तो अब सोचो वेलोसिटी कितना होना चाहिए, मस्ट बी, तो अंडर रूट 5 × 10 / 0.5, ऐसे ही ले लिया मैंने, बोलो जल्दी से कितना आ जाएगा, 5 × 100/5, कितना आ गया, वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 10 m/s है भैया, लेकिन हमारा जो गाड़ी के अंदर में होता है km/h में होता है ना, तो इसका मतलब इसको बदलना पड़ेगा km/h में, तो बोलो जल्दी से कितना आ जाएगा, v कितना से इसको 18/5, तो 10 × 18/5 यानी कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर,
अगर वो 40 के आसपास में, मान के चलो ना रफनेस थोड़ा सा ज्यादा हो गया या, तो 40 के आसपास में जब उसका स्पीड हो जाता होगा ना, तब वो क्या करना चालू होगा, एकदम स्टाइल मारना चालू कर देता होगा। नहीं आया समझ में? तो तुमको भी मौत के कुआं में अगर जाकर के अपना स्कूटी चलाना है परी लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा, कितने के स्पीड में लेके जाना पड़ेगा? और मम्मी के मगरमच्छ लोगों को कितना लेके जाना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, उस मोटरसाइकिल के अंदर में बार बार गियर चेंज करने का अगर झंझट हुआ तो मजा आ जाएगा कि नहीं उसको? इसीलिए उसमें गियर ही हटा देते हैं वो लोग, पता है कि नहीं तुमको? ऐसा रखते देखना मोटरसाइकिल के अंदर में, देखना तो नया मोटरसाइकिल थोड़ी लेके जा करके खेलेंगे उसके अंदर में, वो पुराने होते जिसके अंदर में ना मोटर कार्ड होते, कुछ भी नहीं होते, एकदम कार उड़ भी घुमा लेते हैं वो लोग, पता है कि नहीं तुम लोग को? तो सबके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, अरे आर जी बाई म्यू है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, केवल केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन पे। आ गया क्वेश्चन समझ में? आ गया टॉपिक भी, रियल लाइफ से भी समझा दिया। चलो जल्दी करो इसको, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन एपरेंट वेट, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन एपरेंट वेट, APPERENT एपरेंट वेट, मतलब क्या हुआ कि अगर अर्थ को, सुनो तो, अगर अर्थ को वेट WEIGHT वेट, देखो अगर मैं अर्थ को ओमेगा से रोटेट करा रहा, तो जो हमारे वेट के ऊपर में क्या अपरेंट वेट पे क्या फर्क पड़ेगा या क्या होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। लेट सपोज कर लो कि ये क्या है हमारे पास में, बोलो क्या है ये? बहुत बढ़िया, अर्थ बनाया मैंने, क्या बनाया मैंने? अर्थ। ये है सपोज कर लो हमारे पास में, ये तो बना सकते ना अर्थ। अब सोचो अर्थ के पास में क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है उसके पास में? अर्थ कितने से रोटेट कर रहा है? लेट सपोज कर लो कि एक बॉडी जो है यहाँ पे एम मास का है, लेट सपोज कर लो एक बॉडी जो है एम मास का यहाँ पे है, सोचो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है? हमेशा परपेंडिकुलर। अभी हमने बोला था कि लाइन जो, हर वो लाइन जो सेंटर से पास करता है वही इसके लिए 90 डिग्री कहलाता है। तो परपेंडिकुलर किधर लगने वाला है, ऊपर लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है? तुम में से कितने को याद है एम जी किधर लगने वाला है? नीचे लगने वाला है, हमें पता था ना, इसीलिए पूछे थे एम जी किधर लगने वाला है, इधर लग, अरे नहीं लगेगा। अच्छा जब ये नीचे की तरफ मान लो तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी जल्दी बनाते चलो फटाफट, ताकि जल्दी हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े, ये भी रुक जाए। ये है हॉरिजेंटल का लाइन मान लेते हैं, ये क्या है, कौन सा लाइन है? हॉरिजेंटल का। और ये एंगल थोड़ा सा, एम जी को मैं इधर से हटा दूं क्या, डिस्प्लेस करके के ऊपर लिख दूं? ये है अपना एम जी और ये एंगल है मान लो थीटा, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। सोचो अर्थ जब रोटेट कर रहा होगा, जब अर्थ रोटेट कर रहा होगा तो उस समय इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो एम ओमेगा स्क्वायर आर जो लगेगा सेंटर, वो किधर लगेगा, इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा ये आर कौन सा वाला आर होगा, ये वाला होगा कि नहीं? और इसके कारण ये क्या कर रहा होगा, एक मोशन में आ गया होगा, ये भी समझ में आ रहा है तुम लोग को, आ रहा है कि नहीं? अच्छा तुम में से बताओ, ये थीटा तो ये भी क्या होगा, फटाफट लिख दो, अब तो लिख सकते हो तुम, लिखो यहां तक तो लिखो, बनाते चलो फटाफट बनाते चलो ना। ये एम ओमेगा स्क्वायर लगाओ, एन लगाओ, अब बताओ एन के साथ में दो कंपोनेंट लेंगे क्या, कौन कौन सा लेंगे बोलो, ऐसे लिख देते ना, चलो इधर आ जाओ, देखो तो ऐसे लिख रहा है, देखना एन प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा लिख दिए, किसी को दिखा क्या? अच्छा दूसरा इसका कंपोनेंट बोलो, इसी के परपेंडिकुलर पे लेके आओ इधर, तो क्या लिखेंगे, एम
ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। अरे लिखेंगे कि नहीं बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन। अरे ये सब समझ में आ रहा है कैसे? अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर आर इधर ही क्यों आया है, समझ में आया तुम लोग को कि जहां पे वो होगा वहीं पे ना एक सर्कुलर पाथ बना रहा होगा वो अपने लिए। अर्थ का रोटेशन अलग है और इस पार्टिकल का रोटेशन अलग होगा कि नहीं होगा? अब सोचो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा मस्ट बी इज इक्वल टू एम जी, आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी जल्दी कर डालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करेंगे। नहीं कर पाओगे तुम, चलो तो फिर मैं ही कर देता हूं। बोलो n बराबर क्या लिखेंगे, बोलो mg। ये पहले कैसे लिखे हैं, कुछ किसी को डाउट है अभी पूछ लो, पूछो ना डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तुमको समझ में आया, ये कंपोनेंट नहीं आया ना, तुम कहीं पे बैठ कर कर करके रोटेट कर इसके ऊपर में इसको रोटेट करेंगे, ये कैसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? तो इसके लिए इस ये कैसे रोटेट कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, हमको ये पार्टिकल जो रखा गया है वो कैसे रोटेट करा, ऐसे ना, तो उसके सामने ही तो लगेगा हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा ना, तो वो जहां पे बॉडी है वहां से रोटेट ऐसे करेगा ना, तो उसके सामने सामने एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा ना। नहीं आया? अरे तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और अर्थ रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, तो तुम्हारे ऊपर नॉर्मल तुम किधर लगा रहे हो, अर्थ के सेंटर की तरफ या सेंटर से बाहर? और एम जी किधर लगा रहे हो तुम? तो अच्छा लेकिन तुम रोटेट क्या अर्थ के डायरेक्शन में रोटेट थोड़ी कर रहे हो, अर्थ के सेंटर पे रोटेट कर रहे हो क्या? अर्थ का तो सेंटर यहाँ है ना, तुम कहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ ना। तो तुम्हारे लिए पहले समझो फिजिक्स का बातें समझो, तुम्हारे लिए जो सर्कुलर मोशन का पाथ बन रहा है वो ये बन रहा है ना, जो बच्चा यहाँ पे खड़ा है उसके लिए तो सर्कुलर पाथ का पोर्शन ये बन रहा है ना, तो उसके लिए सर्कुलर पाथ के लिए एम ओमेगा स्क्वायर किधर होगा? अब सोचो सेंट्रीफ्यूगल है ये इसके लिए, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन पे बैठ करके अपने आप को देख रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन पे कोई भी बैठ करके देखता है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा किसके पास होता है, सेंटर की तरफ होता है या उसके बाहर होता है? नहीं आया? आ गया ना। अब सोचो अगर मैं अर्थ को ओमेगा से रोटेट कराना चालू कर दिया तो हमारा मास कितना था पहले, वेट कितना था पहले, एम जी, लेकिन अब क्या हो गया, मतलब घट गया या बढ़ गया ये बताओ? नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं? बस यही तो निकालना था। अब इसको आगे क्या क्या सॉल्व करना है, हो गया ना, फ्रिक्शनल फोर्स पूछेगा तो भी आ गया एम ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, जो हमें क्या कर रहा है बैलेंस कर करके रख रहा है। अरे नहीं आया बच्चा समझ में? अब आया समझ में एम ओमेगा स्क्वायर आर कैसे आया? इसीलिए थोड़ा देर पहले हमने बता दिया था कि जब भी अर्थ के ऊपर में कोई भी केस आ जाए ना, हमेशा नॉर्मल उसके सेंटर से आगे की तरफ लगता है और एमजी हमेशा उसके सेंटर की तरफ लगता है। नहीं आया? आया क्या? एक और अच्छा, स्मॉल आर की वैल्यू कितना होगी ये बताओ। हाँ ये भूलिए गया था मैं, स्मॉल आर की वैल्यू कौन बताएगा पूरे क्लास में से? पूरे क्लास में से सोच ही नहीं पा रहा है। सर ये आर है, ये डिस्टेंस चाहिए, बोलो क्या लिखेंगे? ये आर है तो ये क्या होगा, ये थीटा, आर कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे आर कॉस थीटा होगा तो साइन थीटा बोल रही है तुम, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ना, यहां से यहां अगर आर है तो रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएगा, स्फीयर का रेडियस हमेशा आर ही होता है ना। नहीं आया समझ में? देखो ना नहीं आया। अरे नहीं आया, देखो ना लड़के लोगों को नहीं आया समझ में, देखो ना, देखो इधर। अरे ये है हमारे पास में क्या आर है ना, तो बोलो ये भी क्या होगा हमारे लिए, आर ही होगा ना, और इसका कंपोनेंट ही तो ये वाला होगा, तो स्मॉल आर किसके बराबर है, आर कॉस थीटा के बराबर। आया अब तो आ गया होगा, आया कि नहीं आया? जल्दी लिखो, नेक्स्ट लिखो। एक क्वेश्चन कर ले इसका छोटा सा, उसके बाद में मोशन
ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ कर्व पाथ, बस पढ़ना है, 15 मिनट लगेगा मैक्सिमम पढ़ाने में हमको, हो जाएगा 7 बजे तक, 7:10, 7:05 तक हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए तो मैं बंद कर दूंगा। कुछ लोग भीतर भीतर गाली दे रहे हैं इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, इतना चलता है। देखो ए बॉडी, ए बॉडी, ए बॉडी हैव वेट, फटाफट एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, उसके बाद में ए बॉडी हैव वेट 98 न्यूटन, ए बॉडी हैव वेट 98 न्यूटन ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, ऑन द स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल। अच्छा एक चीज और लिख लो पहले स्टार मार करके, मैं भूल गया था, दिमाग से निकल गया था, एक चीज पहले लिखो इसके बारे में ऊपर जा करके, नहीं रुको पहले एक स्टार मार करके लिखो, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, अरे हाँ भूल गया था मैं, दिमाग से निकल गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एट द इक्वेटर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या हो जाता है थीटा कितना डिग्री हो जाएगा बोलो, 0 डिग्री हो जाएगा। कहाँ पे इक्वेटर होता है तुम लोग अर्थ में, इक्वेटर इक्वेटर जानते हो क्या, कहाँ पे होता है, बात समझ में आए, स्मॉल आर जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल, इक्वेटर पे, याद रहेगा कि नहीं, तो अब क्वेश्चन करो तब आएगा तुमको, नॉर्थ पोल लिख लिया क्या, एट द नॉर्थ पोल, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अरे फिर से बोलू क्या, ए बॉडी वेट 98 न्यूटन ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल, ठीक है ना, एट द नॉर्थ पोल, हो गया यहां तक आया क्या समझ में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हाट विल बी द इट्स वेट, व्हाट विल बी इट्स वेट, व्हाट विल बी इट्स वेट रिकॉर्डेड ऑन द सेम स्केल, रिकॉर्डेड ऑन द सेम स्केल if it is shifted to the, if it is shifted to the equator, shifted to the equator, g का वैल्यू लेना है 9.8 meter per second square एंड रेडियस ऑफ अर्थ लिखना 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 64,000 किलोमीटर, ठीक है ना, ये बातें हैं, जल्दी से करके बताओ कितना आ जाएगा, सोच के बताओ, तो सोचो सर हमारे पास में अभी तो आया था एक इक्वेशन, सर n की वैल्यू कितना आया था बोलो, mg माइनस बोलो जल्दी से क्या आया था, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, यही तो होगा, अरे स्मॉल r के जगह पे r cos थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लेकिन तुम सोचो बंदे ने क्या बोला है, इक्वेटर, इक्वेटर पे ले जाने का मतलब उसका स्मॉल r किसके बराबर हो गया कैपिटल, तो क्या सीधा लिख दें हम लोग, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और कॉस थीटा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगा कि नहीं इक्वेटर पे, अब किसी तरह से हमको एन नहीं निकालना, एम जी तो पता है तेरे पास में कितना है, जब वो नॉर्थ पोल पे था तो कितना था उसका मास, 98, यही तो था, अब सोचो कि उसका मास कितना रहा होगा नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ पोल पे मास कितना होगा, तो वेट बाई में जी होता है, पता है कि नहीं, अरे मास को, मास इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg होता है, अरे रुक जाओ ना, कैसे जीरो हो जाएगा, ओमेगा cos थीटा जीरो तो वन आता है ना, cos थीटा के जीरो की वैल्यू अभी लिखवाया इक्वेटर पे r इज स्मॉल r जो था, कहां घूम रहे हो, किसी के याद में बैठे हुए हो तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है बच्चा, तो वेट बाई में जी ही तो मास होगा, तो 98 बाई में 9.8 इज इक्वल टू एम, तो बताओ कितना आ जाएगा यहां से, 100 केजी का है कि 10 केजी का है, 10 केजी का है बंदा, 10 केजी है, जल्दी से पुट करो आंसर आ जाएगा, हो गया सॉल्व कर दिए कि करना पड़ेगा, मेरे को ही करना पड़ेगा सर, आप चलिए पुट कर देते, 98 तो ये हो गया माइनस बोलो 10 के जी ये हो गया, ओमेगा बताओ अर्थ का, एक दिन हमने किसी न किसी दिन एक दिन ओमेगा अर्थ का निकाले थे, याद है क्लॉक प्रॉब्लम पर आया था, अरे ये क्लॉक प्रॉब्लम पर आया था, उसी दिन एक दिन ओमेगा बताया था, तो नहीं याद है तो याद रखना,
टू पाई बाई में। बोलो अर्थ का टाइम पीरियड कितना है घूमने का, याद ही नहीं है कितना है अर्थ का टाइम पीरियड, 24 into 60 ना। अरे अभी यही तो है तो यहाँ पे पुट कर देंगे 22 pi upon 24 into 60 into 60 का स्क्वायर इनटू में आर की वैल्यू कितना है 6400 किलोमीटर में है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉल्व करना है तुमको, हमने तो बस क्वेश्चन दिया है, जल्दी से निकाल लो, कौन निकाल के बताता है आंसर देखते हैं। कर लोगे क्या? जल्दी से कर लो। हाँ सुनो, तो हम लोगों ने क्या बोला कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कितना है 6400 किलोमीटर है, ठीक है ना, 64,000 जो बोला गया तो गलती से बोला गया था मीटर में, तो 6400 को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10^3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो ना, तुम सॉल्व करो, अब एग्जैक्ट मत सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो 98 - 10 इसको क्या मान लो, पाई को कितना मान लो 3 मान लो, 3.14 होता है ना, तो पाई को कितना मान लो 3, तो क्या हो जाएगा 2 2 = 4 और 3 3 = 9। नीचे बोलो 24 into 24 दो बार लिख दिए कि नहीं लिख दिए, 60 into 60 कितने बार लिखना है इसको, तो लिखते चलो जितना बार तुम लिख सकते हो, तो लिख दिए। अरे देखो ना कैसे सॉल्व हो जाएगा, हो गया, ऊपर बोलो कितना लिखेंगे 6400 और फिर से कितना लिखेंगे, कितने जीरो गए यहां से देख रहे हो ना, 1 2 3 1 2 3 गया कि नहीं गया, 1 2 है कहीं पे नहीं है, एक ही है, तो एक जाएगा एक रह जाएगा, बात समझ में आया क्या, गया। अब सोचो हम क्या करते हैं, इसको से काटते हैं इसको, 6 कट गया, अब सोचो 6 से ये कटने वाला है क्या, नहीं, तो 32 से इसको काट दो, 32 से, और इसको कितने से काट दो 3 से ना कटेगा, अरे कट गया ना 3 से कट गया, 3 3 = 9 1 3 बच गया, तो 3 2 = 6 हो गया कि नहीं हो गया, इसे 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 16। ऐसे इसको सॉल्व करना हमको चाहिए नहीं था, 8 के टेबल में ये कटेगा 3 24 और ये कटेगा 2 से, अरे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब देखो ये 2 से इसको काटो तो 3, अब कुछ कटने वाला, सब खत्म कहानी हो गया ऊपर का, तो बचा क्या हमारे पास में 98 - 10 और ऊपर क्या बचा है तुम्हारे पास में 1/9 की, नीचे कैसे 9 कैसे है 9 और यहां 6 6 तो 9 into 36। तुमसे को जब हम लोग इतना अप्रोक्सीमेट कर ही रहे हैं तो इसको भी 9 को 10 को उड़ा देते हैं ना, अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा सोचो 98 में से बहुत कम ही तो घट रहा है, लगभग लगभग बहुत कम घट रहा है, तो यानी कि वेट में थोड़ा सा कमी आएगा, बस आंसर हो गया। अब एग्जैक्ट आंसर कौन निकालेगा भाई, अब जिसके पास कैलकुलेटर होगा वो निकालेगा, या जो बुक होगा जो बेवकूफ सीट वाले ने दिया है वो निकालेगा। अरे अब इतना भाई साहब, अब इतना कैलकुलेशन तो IIT वाले अगर ऐसा कैलकुलेशन देते छोड़ दीजिएगा, ये कि नहीं हमको तो आता ही आता है ऐसा नहीं सोचना, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में 5 मिनट 10 मिनट गया, 10 मिनट गया तो आपका जिंदगी भी गया, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ ना, 2 क्वेश्चन 10 मिनट में 5 क्वेश्चन करना था, उसमें कितने क्वेश्चन किया आपने, 1, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अरे 98 पॉइंट के बाद में माइनस में 0.098 ऐसा कुछ आएगा, तो घटा करके भी कितना आएगा 97 point something। तो उस वेट से कोई फर्क पड़ेगा इंसान को, इसीलिए ना हम इंडिया में रहे, चाहे पाकिस्तान में जाए, चाहे भारत के किसी कोने में जाए, हमारा वेट में कोई फर्क नहीं के बराबर पड़ता। अरे नहीं आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया, हाँ, लेकिन इंडिया मतलब कि अर्थ से कहीं दूसरे प्लेनेट पे चले गए, जैसे कि चांद पे चले गए, चांद की पार चलो वाले पे, तो वहां पे हमारा वेट कितना घट जाएगा, 6 टाइम घट जाता है,
समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ तक आज कर लेते हैं। कल हम लोग मोटरसाइकिलिस्ट ऑफ सॉरी मोशन ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ कर्व बात करेंगे।